अज असी जिस विषय ते गलबात करन जा रहे हाँ उसका साड़ी जिंदगी विच अहम स्थान है। समाज लई सतिकार, मापियां ते बजुर्गों का सतिकार। बजुर्गों का सतिकार करना साड़े लई एक अहम रोल अदा करता है ते नवी पीढ़ी बजुर्गों तो समाजिक कदरां कीमतां दे गुण ग्रहण करके ते उन्हां दे तजर्बियां नूं अपने जीवन विच प्रेरणा स्रोत बनाती है ते बजुर्गों का जिहड़े बजुर्ग ने वह साढ़े समाज का सरमाया हुंदे हन। ते जेकर असी देखिया जाए तो उन्हां तो ग्रहण कीती सिक्ख्या नाल ही एक चंगे ते आदर्श समाज की सिरजना हुंदी है ते यह प्यार बजुर्गों के प्रति प्यार पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। सो असी जेकर असी चंगे समाज नूं कोई चंगे समाज की सिरजना करना चाहते हाँ जां कोई सेध देना चाहते हाँ तो साढ़े अंदर नैतिक कदरां कीमतां दे गुण होने बहुत जरूरी हैं। अज असी स्वागत जिंदगी पुस्तक विच दर्ज नैतिक कदरां कीमतां ते आधारित पाठ दो समाज लई सतिकार, मापियां ते बजुर्गों का सतिकार उपर विचार चर्चा करांगे, जिस विच विद्यार्थियों द्वारा कीतियां क्रियावां ते आधारित होवेगा। विद्यार्थी मापियां प्रति अपना प्यार तां ही दर्शा सकता है जेकर उस दे अंदर नैतिक गुण होणगे। विद्यार्थी दे जीवन विच नैतिक आचरण दा आरंभ बचपन तो ही शुरू हो जाता है जो उस दीयां चंगीयां आदतां उत्ते निर्भर करता है। विरासत अते अध्यापकां तो ग्रहण कीती नैतिक सिक्ख्या नाल विद्यार्थी अंदर चंगे गुण ईमानदारी, निम्रता, हलीमी, सहजता, सहनशीलता, अनुशासन, समाजिक रिश्तियां दी समझ ते प्यार सतिकार उपजदा है जो कि भविख लई एक चंगी खुशहाल जिंदगी दी नींह रखदे हन। तरक्की खुशहाल जिंदगी दा मूल सिद्धांत है। यह तां ही संभव है जदों असीं अनुशासन विच बज के अते नैतिक सिक्ख्या दी पालना करदे होए समाज विच विचरदे हाँ। वैसे तां इंसान अपनी सारी जिंदगी सिखदा रहिंदा है पर विद्यार्थी जीवन विच असीं बहुत कुछ सीख सकते हाँ। यह समा चंगे इंसान बनन दा हुंदा है। वो अपने सारे पासियां तो ही सीखते हैं। आला दुआला चार सफेरा हर पासियों विद्यार्थी अपने जीवन नूं सही दिशा च ले जाण लई कोई ना कोई नवीं गल सीखता रहिंदा है। विद्यार्थी जीवन विच मिली नैतिक सिक्ख्या नूं लैके ही वो अपने चंगे ते खुशहालमई भविख दी सिरजना करता है अते अपने मां बाप दी बुढ़ापे तक सेवा करता है क्योंकि उसका फर्ज भी बनता है कि वह अपने वड्डियां नूं सतिकार दवे, बंदा माण देवे, उन्हां दी सांभ संभाल करता है जिस नाल साडा समाजिक ढांचा मजबूत हुंदा है। सेवा भावना नाल कीता गया औखे तो औखा काम इंसान नूं सुखाला जापदा है क्योंकि इन्हां नैतिक गुणां करके ही उस दे अंदर बहुत सारा आत्म विश्वास हुंदा है जिस नाल उह अपने भविख दी औखी तो औखी मुश्किल नूं फतेह कर लैंदा है। नैतिक सिक्ख्या विद्यार्थी दा बौद्धिक विकास करदी है जिस नाल उस दे अंदर चंगे माड़े नूं समझन दी सोच उत्पन्न हुंदी है। यही सोच उसकी खुशहाल जिंदगी का आधार बनती है। नैतिक जीवन का विकास समाज विच रह के ही हो सकता है, समाज तो वक्ख हो के नहीं। समाज विच रह के ही विद्यार्थी ने सब कुछ सीखना हुंदा है। नैतिकता दे गुण मनुख दे मन नूं शुद्ध करदे हन जिस नाल वो समाज प्रति अपने फर्जा नूं समझदा है। समाज विच रिश्तियां प्रति सतिकार उहदे अंदर अहसास पैदा हुंदा है किवें उसने अपने वड्डियां नूं पूरा माण देना हुंदा है ते बच्चियां लई सब तो कीमती रिश्ता माँ बाप का ही रिश्ता हुंदा है। इसलिए हर बच्चा अपने मापियां नूं बहुत प्यार करता है। मापे ही हुंदे हन जो बचपन में उस नूं पालदे हन ते जिंदगी विच आउण वालियां तकलीफां तो लड़न दी हिम्मत दिंदे हन।
प्यार ही बच्चे अंदर आत्मविश्वास अते सफलता दे गुण पैदा करता है। बच्चियां अते मापियां दा आपसी प्यार ही बच्चे नू मानसिक अते जज्बाती तौर ते मजबूत करके जिंदगी विच कुछ हासिल करन लई उसनू प्रेरित करता है कि जिंदगी विच उसने अपनी मंजिल उपर किवें पहुंचना है। यह सारा कुछ मापियां दा प्यार बच्चियां प्रति ते बच्चियां दा मापियां प्रति सारा कुछ दर्शाता है। इस प्यार नाल बच्चा जिंदगी च अगे वधदा है ते वड्डा हो के एक जिम्मेवार ते समझदार इंसान बनता है। इस नाल उसकी बुद्धि तेज हुंदी है, वो दूजियां दियां भावनावां नूं समझदा है ते अपनियां भावनावां नूं सही तरीके नाल दूजियां सामने प्रगट भी करता है। बच्चियां दा प्यार ही मापियां नूं दुख तकलीफ औखे समय सांभण ते उहनां दे बुढ़ापे विच सेवा करन दा बल बख्शदा है। भारती समाज विच इह प्यार पीढ़ी दर पीढ़ी चलदा है। इसे मां बाप दे प्यार विच्चों निरोए ते आदर्श समाज दी तस्वीर सामने आउंदी है। आओ हुण विद्यार्थियों पासों मापियां दे प्यार ते सतिकार प्रति कविता सुनते हाँ। मां वर्गा कणछावां बूटा मैनू नजर ना आए, जिस तो लैके छायादारी रब ने स्वर्ग बनाए। बाकी कुल दुनिया दे बूटे जड़ सुकियां मर जांदे, ऐ पर फुल्लां दे कमल आया ए बूटा सुक जाए। सरबत साध संगत, सब तो पहला अपनी ते साडी हाजरी लवाओ, गज के फतेह दी सांझ पाई, आखो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। अज मैं हरमनप्रीत सिंह अते मेरा वीर सरवण सिंह, असी दोवे वीर अकाल पुरख के पुजारी, वीर मां दी ममता उत्ते एक कविता लैके आए हैं, जो के कवीशरां दी दुनिया विच्चों सिरमौर लेखक अते गायक करनैल सिंह पार श्रम वाली आ, उन्हां दी लिखत है, उन्हां दी रचना है। मां दी ममता इस दुनिया विच बहुत ज्यादा प्रबल है, मां रब दा रूप है, इस करके मां दी ममता ते एक अज कविता लैके आए हैं। आओ सरवण करिए किवें मां दी ममता अपने बच्चे प्रति हुंदी है ते बच्चे प्रति की फर्ज हुंदे ने। इस कविता विच एवं बेनती कीती जा रही, रब ने सिरजी मां दी मूरत पाक मोहब्बत वरगी, सरवण दी मायन्नी सड़के नाल पुत्र दे मरगी। हो जइयां हजारां मावां पुत्र लब्बू टावां, ममता दी मूरत हरौंदियां मावां ठंडियां छावां। जोगी बन मन शांत ना होया लम्मे अरसे बीते, ममता मारी माशरां दे मुड़ जद दर्शन कीते। पूरन ने परमेश्वर डिठा मां दे रूप च सावां, ममता दी मूरत हन हुंदियां मावां ठंडियां छावां। फुल पले के जरा कठेडा जे पुत्र नूं वजे, मूं दी बुरकी छड विचाले फौरन उधर भजे। पहला लफ्ज जबानो निकले हाय हाय मैं मर जावां, ममता दी मूरत हन हुंदियां मावां ठंडियां छावां। बच्चे दी आई मर जाना, बच्चे दी आई मर जाना माली गल ममूली, पालन पोषण दी ना कीमत अमड़ी किसे वसूली। ओ जल जीवां तो कदे कराया मंगिया नहीं दरियावां, ममता दी मूरत हन हुंदियां मावां ठंडियां छावां। देखण नूं पत्थर दिल होवे हदों बहुती खरवी, ममता दे दीवे विच बाले फिर भी अपनी चरबी। ओ आई आफत चोली पावण सिर ते लैण बलावां, ममता दी मूरत हन हुंदियां मावां ठंडियां छावां। मां दियां गालां घिओ दियां नारां कूरा माणक मोती, थप्पड़ हुंदे मक्खण पेड़े चिड़का जीवन ज्योति। अंदर आउंदिया खंड पता से मिर्चा दिसण पावा, अंदरों हुंदिया खंड पता से मिर्चा दिसण पावा, ममता दी मूरत हन हुंदिया मावां ठंडियां छावां। सोते अपराध करत है जेते जननी चेतना आवे,
पुत्र दी फांसी दा फंदा खो अपने गल पावे। ओ दूले पुत्र करन बगावत लतियां भरन सजावा, ममता दी मूरत हनुंदियां मावां ठंडियां छावा। दूरों पर पर लियावन चुंजा, दूरों पर लियावन चुंजा चोगा पाल परिंदे, डिग पए जे बोड़ आलण्यो फिर नहेरियां दिंदे। ओना दी खट्टी खानी हुंदी चिड़ियां कावां, ममता दी मूरत हन हुंदियां मावां ठंडियां छावां। मां दा दिल मिट्टी दा हुंदा नहीं खड़ौना बनिया, पर जद टुटदा पुत्तर वल्लों अंबर जांदा छणिया। पुत्तर तों अपमानित होवी, पुत्तर तों अपमानित होवी मंगण नेक दुआवां, ममता दी मूरत हन हुंदियां मावां ठंडियां छावां। दूजी गिणत च आउंदे रिश्ते दूर नेड़े दे सबे, धरती शान समुंदर पुणिया मां दा बदल ना लब्बे। पिप्पल बोड़ करोड़ा रल के मल ना सकण थावां, ममता दी मूरत हन हुंदियां मावां ठंडियां छावां। ना बंदा धरती चो उपजा, ना चंदन दे रुखो, सबे पीर पगंबर जनमे मां दी पावन कुखो। मरी ज्यों दी मां नू पारस न्यौनो सीस नवावा, पारस न्यौनो सीस नवावा। ममता दी मूरत हन हुंदिया मावा ठंडिया छावा। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जन्नत वाली थां मेरे कोल मापे ने, मैनू जन्नत वाली थां मेरे कोल मापे ने। उस रब दा शुक्र करां मेरे कोल मापे ने, मैनू जन्नत वाली थां मेरे कोल मापे ने। अद्धी रात प्यास लगे एक बार कांजे पानी, अद्धी रात प्यास लगे एक बार कांजे पानी। बिना देरियों पानी दिंदी मेरी मासवाणी, मैं ना जाना केड़े वेले, मैं ना जाना केड़े वेले। सौंदी मेरी मां मैनू जन्नत वाली थां मेरे कोल मापे ने। बापू दियां चिड़कां विच डाढा प्यार नजर है आउंदा, बापू दियां चिड़कां विच डाढा प्यार नजर है आउंदा। ओना दा तां हर सुपना बस साडे लई है हुंदा, हर इच्छा मेरी पूरी कर दे, हर इच्छा मेरी पूरी कर दे। जो भी मुहों कहां मेरे कोल मापे ने, मैनू जन्नत वाली थां मेरे कोल मापे ने। सुखी रखी बच्चियां नू मौला सुखी रखी तू मापे, सुखी रखी बच्चियां नू मौला सुखी रखी तू मापे। कहे पंडाले वाला सब ते मेर करो जी आपे, परगट सिंगा सब बच्चियां ते, परगट सिंगा सब बच्चियां ते। मापियां दी रहशां मेरे कोल मापे ने, मैनू जन्नत वाली थां मेरे कोल मापे ने।
मैनू जन्नत वाली थां मेरे कोल मापे ने, मेरे कोल मापे ने, मेरे कोल मापे ने। मापियां ते बजुर्गां दा सतिकार करना बहुत जरूरी है। गल करिए पंजाब दी सब तो वड्डी विशेषता सी सांझे जां संयुक्त परिवार, जिन्हां विच पैदा होया हर बच्चा दादा दादी माता पिता चाचा चाची ताया ताई भूआ फुफड़ भैन भरा आदि रिश्तियां दा निग मानदा होया अपने जीवन विच हर रिश्ते दी अहमियत नूं समझण विच समर्थ हो जांदा सी। सांझे परिवारां विच कई कई पीढ़ियां तक दे परिवारिक मैंबर इकट्ठे रहिंदे सन अते बिना किसी वैर विरोध दे खुशहाल जीवन बतीत करदे सन। ईरखा नफरत घरेलू कलेश अते झगड़े उदों ना मात्र ही हुंदे सन। आपसी प्यार अते मोह दीआं तंदां सारे परिवार नूं इक धागे विच परो के रखदीआं सन। पर अजोके भौतिकवादी दौर विच मानसिक उलझणां विच ग्रसे लोकां दे नज़रिए च आए गैर म्यारी परिवर्तन कारण सांझे परिवार दिनों दिन टुटदे जा रहे हन। शहरां विच तां सांझे परिवार लगभग खत्म हो चुके हन, पिंडां विच अजे टावें टावें सांझे परिवार बाकी हन। जिस तरह दा रुझान अज देखण नूं मिल रहा है, जापदा है कि भविख विच सांझे परिवारां दीआं बातां अते कहानियां सुनाउण वाले बजुर्ग भी शायद नवीं पीढ़ी नूं नसीब नहीं होणे। आधुनिकता अते नवीनीकरण दे मजबूत संगलां विच असीं अपने आप नूं दिनों दिन नूड़दे जा रहे हाँ, जिस कारण सांझे परिवार टुट के इकहरे परिवारां विच बदलदे जा रहे हन अते बजुर्गां दा सतिकार दिनों दिन खत्म हुंदा जा रहा है। अज दे समें लगभग बहुत सारे बच्चे इकल्ले ही रहिंदे हन। बच्चियां दे जन्म दा मुढ बजन तो लै के मापे अपने बच्चे नूं दुनिया दी हर शै लै के देण दी कोशिश करदे हन, जो भी बच्चे दी जरूरत हुंदी है। बच्चे दीआं लोड़ां अते ख्वाहिशां पूरियां करन खातर मापे अपनीआं लोड़ां सीमित कर लैंदे हन। मापिआं नूं अपने बच्चिआं तों आस हुंदी है कि बुढ़ापे समें इह उहनां दे बुढ़ापे दी टंगोरी बनणगे, पर अज सब कुछ बजुर्ग मापिआं दी सोच दे उल्ट वापर रहा है। इकहरे परिवारां विच अज कल निक्कीआं निक्कीआं गल्लां ते बजुर्ग मापिआं नूं बच्चिआं वल्लों टोकणा आम जिही गल हो गई है, जो कि बहुत ही दुखदाई है। इस तों इलावा कई समाज दी फोकी शोहरत लई बजुर्ग मापिआं नूं बोझ अते फालतू समझ के बिरध आश्रमां विच छड्ड रहे हन। इत्थे इह गल बिल्कुल सच हो निबड़दी है कि पुत कुपुत हो सकदे हन पर मापे कुमापे नहीं हुंदे। अजोके समाज दे निगार दे कई कारणां विच्चों इक सांझे परिवारां दा टुटना भी है। पहलां बजुर्गां दी सेवा अते सतिकार करन जिहे संस्कार बच्चिआं नूं सांझे परिवार विच्चों विरासत विच मिलदे सन। इकहरे परिवारां विच जन्म लै के वड्डे होए बच्चिआं नूं बजुर्गां दी सेवा अते सतिकार करन दे संस्कार नहीं मिल सकदे, क्योंकि उन्हां ने परिवार विच अजिहा कुछ देखिआ ते हंडाया ही नहीं। केवल उह बच्चा ही अपने मापिआं दी बुढ़ापे विच सेवा संभाल अते सतिकार करदा है जिस दे मापिआं ने अपने मापिआं दी सेवा संभाल कीती होवे। सांझे परिवारां विच्चों सिर्फ अपने बच्चे लै के अलग घर बना के रहण वाले लोकां दे बच्चे उहनां दी बुढ़ापे वेले सेवा नहीं कर सकदे, क्योंकि उहनां दे बच्चिआं ने अपने मापिआं नूं कदे भी अपने बजुर्गां दी सेवा करदिआं नहीं वेख्या। इस लई जे असीं अज अपने बजुर्ग मापिआं दी सेवा संभाल अते उहनां दा सतिकार करांगे तां ही असीं अपने बच्चिआं नूं अपने बुढ़ापे दी सेवा करन दी आस कर सकदे हाँ, नहीं तां सानूं भी अपने लई कोई ना कोई बिरध आश्रम ही लभणा पवेगा। अज सानूं अपनीआं परिवारिक मोह दीआं तंदां नूं होर वधेरे मजबूत करना चाहीदा है ते सांझे परिवार बना के वड्डिआं दा सतिकार करना चाहीदा है, क्योंकि खुशी खुशी जीवन बतीत करन वाले परिवारां विच ही बजुर्ग मापिआं दे दिलां नूं सुकून सही सांभ संभाल अते माण सतिकार मिल सकदा है। आओ हुण बच्चिआं पासों मापिआं दी सेवा संबंधी कविता सुणदे हां।
दीन दर्द दुख पंजना कट कट नाथ ओ नाथ, शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ। गुरु प्यारे खालसा जी, आओ सब तो पहला फतेह दी सांझ पाईए, आखो गज के वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। गुरु प्यारे खालसा जी, अज असी मनुखता दी सेवा दे वेच एक कली छंद लैके आए हैं। कविश्री दी 13 टेकां विचों एक कली छंद मनुखता दी सेवा। मेरे साथी सरवण सिंह ते मैं आप जी दा दास हरमनप्रीत सिंह एवं बिने करदे। देशवासियो आओ करिए सेवा देश दी, देशवासियो आओ करिए सेवा देश दी। ओ माड़ा हाल निगाह विच दुनिया दा है आया, माड़ा हाल निगाह विच दुनिया दा है आया। वड्डी सेवा सब तो सेवा है मनुखता दी, वड्डी सेवा सब तो सेवा है मनुखता दी। ओ जिसने कीती उसने मिठा मेवा पाया, जिसने कीती उसने मिठा मेवा पाया। खोले का तो बिरदे आश्रम साडी धरती ते, खोले का तो बिरदे आश्रम साडी धरती ते, खोले ਕਾਤੋਂ ਬਿਰਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਓ ਬਾਬੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਕਾਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਾਇਆ, ਬਾਬੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਕਾਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਾਇਆ। ਪੁੱਤਰ ਕਿਉਂ ਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਬੁੱਢੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ, ਪੁੱਤਰ ਕਿਉਂ ਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਬੁੱਢੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ। ਓ ਜਿਸਨੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਲ ਖੂਹਾਂ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਜਿਸਨੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਲ ਖੂਹਾਂ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਰੁੱਖ ਵਡਾਏ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ, ਪਹਿਲਾ ਰੁੱਖ ਵਡਾਏ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਦਾ ਰੋਗ ਹੰਡਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਦਾ ਰੋਗ ਹੰਡਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਬਣਾਇਆ। ਆਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਪਿਆਰ ਦਾ ਆ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਪਿਆਰ ਦਾ। ਕੀੜਾ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਮਕਾਇਆ, ਕੀੜਾ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਮਕਾਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਸੱਚੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਉੱਚਾ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ, ਸੱਚੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਉੱਚਾ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਹੜਿਆਵਣ ਤੇ ਲੋਕ ਫਸਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੜਿਆਵਣ ਤੇ ਲੋਕ ਫਸਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ। ਓ ਜਿਸਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਾਇਆ, ਜਿਸਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰੱਬ ਹੈ ਨੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰੱਬ ਹੈ ਨੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰੱਬ ਹੈ ਨੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਐਸੇ ਚੱਕਰ ਪਾਇਆ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਐਸੇ ਚੱਕਰ ਪਾਇਆ। ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਸਾਵੇਂ ਅੰਗਹੀਣ ਜਦ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ, ਹਰਮਨ
सिंह दे सावे अंगहीन जदे आंदा कोई हो चावे दिल तो सेवा करके पुन कमाया चावे दिल तो सेवा करके पुन कमाया वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जिंदगी विच हर इंसान चाहुंदा है कि उसनू दूसरियां तो पूरा माण सतिकार मिले, जो वड्डा वंडांगे उही पावांगे। जेकर असी अपने बजुर्गां नू सतिकार दिंदे हाँ तां ही सानू सतिकार मिलेगा। बंदा माण सतिकार असी तां ही पा सकदे हाँ जेकर असी अपने बजुर्गां दा सतिकार करदे हाँ। इसलिए सानू अपनी सोच बदलनी जरूरी है। एक कहावत भी है, जो बीजोगे उही वड्डोगे। इसलिए बजुर्गों वास्ते अपने दिल विच प्यार ते सतिकार बीजो। जे असी बजुर्गों का सतिकार करांगे तां कल नू साढ़े बच्चे भी साडा सतिकार करनगे। गल इह कि सानू सारियां नू बजुर्गों का आदर माण सतिकार करना चाहिदा है। समाज विच बच्चों का मापियां प्रति प्यार पंगूड़े तो लैके जीवन दे अंतले सवासां तक दी सांझ वाला हुंदा है। जिहदे विच मापियां दा सतिकार बरकरार रहिंदा है, सेवा भावना वधदी है, संयुक्त परिवार बनदे आ, रिश्ते मजबूत हुंदे हन, लोकां विच मिलवरतन ते प्यार वधदा है, एक चंगे समाज दी सिरजना हुंदी है। जिहदे विच सानू एक दूसरे दा सहयोग करन, हमदर्दी प्रगट करन, सहनशीलता दे गुण भी मिलदे हन। इसे प्यार विच्चों ही नैतिकता, निम्रता, सुहिरदता, आपसी विश्वास वर्गे गुण भी पैदा हुंदे हन। समाज विच समाजिक नात्यां, समाजिक कदरां कीमतां, अध्यापकां, मापियां, बजुर्गां, बच्चियां आदि लई सतिकार दा होना असल नरोए जीवन दी खूबसूरत झलक हुंदी है। सो अंत विच असी जिन्हां दी भी इस वीडियो विच सहायता लई है जां जिन्हां स्रोतां दी वरतों कीती है उन्हां दा भी तहे दिलों धन्नवाद करते हां। धन्नवाद।